सो हे गाइस, अनबॉक्सिंग फॉरएवर के एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में अपन करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू न्यू रिपब्लिक की तरफ से आने वाले ड्रेड ईवो का। ये 800 से 1000 रुपए की प्राइसिंग में हमें देखने को मिलते हैं और एक वायर्ड गेमिंग हेडसेट है। सो देखेंगे कि क्या ये परफेक्ट है इस प्राइसिंग में, क्या आपको इन्हें परचेस करना चाहिए। तो चलो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एक्साइटेड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस फटाफट से कर लेते हैं अपन बॉक्स ओवरव्यू। तो फ्रंट में आपको प्रोडक्ट की फोटो, एन्यू रिपब्लिक की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रेड ईवो वायर्ड गेमिंग है। बात अगर अपन लेफ्ट साइड की करें तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस बताए हुए हैं जो मैं वीडियो में आपको आगे बता दूंगा। और अगर बात अपन बैक साइड की करें कि बैक पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे भी पूरे स्पेसिफिकेशंस और बताए हुए हैं। और यहाँ पे अगर अपन प्राइसिंग देखें तो इन्होंने 1600 रुपये प्राइसिंग बताई हुई है और कंट्री टू ओरिजिन चाइना है। सो गाइस, सबसे पहले आपको कुछ दो कार्ड्स देखने को मिलते हैं, इसके अलावा ये आपको यहाँ पे हेडसेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, पैकेजिंग अगर अपन बजट की बात करें कि 1000 से 800 रुपए की प्राइसिंग में हमें देखने को मिलते हैं, तो 1000 से 800 रुपए की प्राइसिंग में मुझे ठीक लगी पैकेजिंग। गाइस बात अपन करेंगे इसके बेल्ट क्वालिटी की, तो ये पूरा प्लास्टिक बेल्ट है और अगर अपन यहाँ पे देखें तो थोड़ी मैट की फिनिश है, मतलब ग्लॉसी फिनिश नहीं दी है, मैट की फिनिश दी हुई है। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल माइक देखने को मिलता है जो मेरे को पर्सनली काफ़ी सही लगा। 700-800 रुपए की प्राइसिंग में आपको एडजस्टेबल माइक देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पे जो इन्होंने प्लास्टिक यूज़ किया, इसकी क्वालिटी अच्छी है, ओके है इसकी क्वालिटी। जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी मुझे लूज लगी, मतलब ऐसी चीप तो नहीं लगी लेकिन थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती थी। तो यहाँ पे जो प्लास्टिक इन्होंने यूज़ किया है वो भी ठीक है, मैट की फिनिश है पूरी। इसके पीछे जो पे जो रेड कलर का कुशन है, इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी है, मतलब ये आपको चीप प्रोडक्ट, मतलब ऐसे चीप फील नहीं करवाता है, अच्छी क्वालिटी दी है यहाँ पे भी कंपनी ने। अगर अपन इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे सेम वही एन्यू रिपब्लिक की ब्रांडिंग है, आरजीबी है और ये वही डिज़ाइन है सेम। और अगर बात अपन यहाँ के कुशन की करें, यहाँ के पैड की करें, तो वो भी मुझे अच्छी लगी, ब्लैक कलर का, मतलब मैट फिनिश के साथ रबड़ है और क्वालिटी भी परफेक्ट है, ऐसा नहीं कि चीप प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी के साथ देखने को मिलता है। तो जो बेल्ट क्वालिटी है वो पर्सनली मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी, बिकॉज इस प्राइसिंग में आप देखते हो तो माइक या तो आपको हेडसेट में ही मिल जाता है या फिर एक्स्ट्रा थोड़ा सा निकला हुआ मिलता है। यहाँ पे आपको पूरा एडजस्टेबल माइक देखने को मिलता है, वो पर्सनली मुझे काफ़ी सही लगा। और इस एडजस्टेबल माइक पे जो डिज़ाइन दिया है गेम ऑन का, वो भी सही है। ऑनलाइन कंट्रोलर है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये बटन थोड़ा सा चीप लगता है आपको, लेकिन इस पे जो प्लास्टिक यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया ये काफ़ी अच्छा है। इसकी प्राइसिंग को देख के अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी को रेटिंग दूँ तो 9 out of 10। अगर अपन बात वायर की करेगा इस, तो वायर की थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन वायर की क्वालिटी रियली काफी अच्छी है, मतलब वो केवल देखने को मिल जाती है यूएसबी वाली एंड 3.5mm जैक वाली। 3.5mm जैक वाली आपकी हेडसेट की वॉइस के लिए है और ये यूएसबी वाली आरजीबी के लिए है। अपन बात करेंगे म्यूजिक की, कि ये म्यूजिक में कैसा वर्क करता है। इसमें इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है गाइज, वोकल्स एकदम क्लियर आते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट का साउंड है वो बहुत अच्छा आता है गाइज, मतलब काफ़ी अच्छा आता है, बिकॉज ये गेमिंग हेडसेट है, ये गेमिंग के लिए बना हुआ है और जो इंस्ट्रूमेंट का साउंड है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए वो काफ़ी अच्छा आता है इसमें, बहुत अच्छा इसमें निकलता है वो साउंड। अगर अपन बात बेस की करें तो इसमें बेस भी बहुत अच्छा आता है, इसमें 15mm के ड्राइवर है और इसकी प्राइसिंग के हिसाब से इसका बेस काफ़ी अच्छा है। इसमें एक प्रॉब्लम देखने को मिले मुझे कि अगर आप बेस को 100% कर देंगे तो इसका साउंड क्वालिटी थोड़ा सा खराब हो जाएगा, मतलब अगर आप बेस को 70 से 80% तक रखेंगे तो साउंड क्वालिटी एकदम ओपी लेवल का आएगा। अगर बेस को आप फुल कर लेंगे म्यूजिक में तो थोड़ा सा इसका साउंड क्वालिटी खराब हो जाता है, तो वो चीज़ थोड़ी सी इसमें मतलब सही नहीं लगी म्यूजिक में। और काफ़ी अच्छा है, 70% 80% वॉल्यूम में बहुत तगड़ा वाला बेस मिलता है, बहुत अच्छी वाली साउंड क्वालिटी मिलती है, तो म्यूजिक के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप म्यूजिक भी करना चाहते हो गेमिंग के साथ साथ तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। गाइस बात अपन करें ये गेमिंग की, कि ये गेमिंग में कैसा, गाइस पूरा इसको गेमिंग के लिए डिजाइन किया गया है। लाइव स्ट्रीम में यूज करते हो ये बहुत सही लगेगा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आरजीबी है, सेकंड इसका जो कलर बनाया हुआ है रेड एंड ब्लैक की जो कॉम्बिनेशन बनाई है वो बहुत तगड़ी लगती है गेमिंग में, और जो इसका माइक है वो एडजस्टेबल भी है, प्लस यहाँ पे आपको गेम ऑन की ब्रांडिंग दी हुई है वो काफ़ी अच्छी लगती है। तो जो गेमिंग में अगर अपन लुक वाइज बात करें तो काफ़ी अच्छा लगेगा गेमिंग में आपको। बात साउंड क्वालिटी की करें गेमिंग में, तो साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है, मेन
सबसे इंपॉर्टेंट है, सराउंड साउंड वो इसमें परफेक्ट आता है। अगर बात अपन एनिमीज के फुटस्टेप की करें, गन शॉट की करें, गन का जो रिलोड होता है उसकी करें, तो ये जितने भी छोटे छोटे साउंड होते हैं गेमिंग में वो आपको इसमें परफेक्ट सुनाई देते हैं। तो परफेक्ट लगा गेमिंग में मुझे ये। अगर आपके पास 1000 रुपये का बजट है, आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो, तो ये बहुत तगड़ा लगेगा आपको। करेंगे कंक्लूजन की और मेरे ओपिनियन की, तो सबसे पहले मैं इसको रेटिंग दे देता हूँ। तो बेस में मैं इसको दूंगा 9 out of 10, म्यूजिक में मैं इसको दूंगा 6 out of 10, क्योंकि देखो मेन ये गेमिंग के लिए बनाया हुआ है, लेकिन गेमिंग के साथ अगर आप म्यूजिक सुनना चाहते हो तो ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के लिए एक हेडफोन चाहते हो तो मैं आपको इसे रिकमेंड नहीं करूंगा। बात अगर अपन गेमिंग की करें तो गेमिंग में इसे दूंगा 8.5 out of 10, और अगर बात अपन लुक की करें तो लुक में इसको मैं दूंगा 9 out of 10। तो ये था मेरा इसमें रेटिंग। अब मेरा कंक्लूजन बता देता हूँ, अगर आप गेमिंग के साथ म्यूजिक करना चाहते हो, थोड़ा बहुत म्यूजिक सुनना है आपको, तो आप इसे ले सकते हो। लेकिन सिर्फ आपको म्यूजिक के लिए एक हेडफोन चाहिए तो आपको मैं इसे नहीं रेकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आपको एक अच्छा लुक वाला हेडफोन चाहिए, अच्छे डिजाइन वाला हेडफोन चाहिए, RGB के साथ हेडफोन चाहिए, अच्छी क्वालिटी वाला हेडफोन चाहिए, तो आप इसे ले सकते हो। पर अगर गेमिंग करना है आपको 800 के प्राइसिंग में, तो आपके लिए परफेक्ट है यार, मतलब जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एन्यू रिपब्लिक का भी लिंक दे दूंगा, फ्लिपकार्ट का भी दे दूंगा, और अमेजोन पर अवेलेबल हुआ तो उसका लिंक भी दे दूंगा। बेस्ट बाय लिंक मैं सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, मतलब कैसा भी लगा हो बस बता जरूर देना कि कैसा लगा है। और कोई हेडसेट के साथ आप इसका कंपैरिजन देखना चाहते हो तो वो भी बता देना, या कोई हेडसेट का रिव्यू देखना चाहते हो तो वो भी बता देना, या कोई डिमांड हो आपकी वीडियो की तो वो भी नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक वाले बटन को प्रेस कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। 2020 में 12K क्रॉस किया है, इस साल अपने को 100K क्रॉस करना ही करना है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। जल्दी मिलेंगे कोई नई वीडियो में। बाय बाय।